हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ पर मैं अपने प्यारे दोस्त मित्र के साथ बैठा हूँ। ये अपने आप में एक लेजेंडरी खिलाड़ी है, अपने आप में मतलब इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों में से एक है और आज भी इतिहास रच रहे हैं। तो मनप्रीत पाजी खिलाड़ी हो गए, कोच हो गए जी, आप कमेंट्री भी करने लगे, मतलब क्या छोड़ा आपने किसके लिए? कितने साल हो गए पाजी कबड्डी से जुड़े हुए? सर आई थिंक मैं 7 या 8 ईयर का। आपने 90 के दशक का कबड्डी देखा, आप जब पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे कौन सा साल था वो? 99 में आप, तो ये जो उस टाइम की कबड्डी थी और आज की ये जो प्रो कबड्डी है, इसके अंदर क्या फर्क लगता है आपको भाजी? मतलब एक तो ऑफ कोर्स लाइट्स ग्लैमर वो सब आ गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन खेल बदला है कि नहीं बदला? हाँ, बहुत खेल बदला है, क्योंकि पहले ग्लैमर इतना ये नहीं था, ये बहुत सारा कुछ ही आ गया है। बट जो गेम की बात करें हम, गेम बहुत फास्ट हो गया, चेंज हो गया सारा, फिटनेस लेवल बहुत हाई क्लास हो गया है आज के टाइम। पहले इतना अच्छा फिटनेस लेवल नहीं था, स्किल आज के टाइम जो कबड्डी है उससे ज्यादा फास्ट हो गई है। पर बट ये गेम बहुत फास्ट, पहले तंदुरुस्ती का और बल का खेल था, अब शायद चपलता का खेल है। दैट्स सो, ऐसा है? यस यस, वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है सर, क्योंकि अभी जितना बॉडी फिट रहेगी उतने रिफ्लेक्शंस आपके बहुत अच्छे काम करेंगे रीडर्स के, डिफेंसर के। भाजी आप जब पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे 99, क्या चल रहा था उस टाइम पे आपके दिल में? मतलब ये बहुत बड़ी बात है जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट, तब शायद ना इतना शोरगुल था इतना ही कबड्डी का? नहीं नहीं, इतना नहीं था। जब आप इंडिया के लिए खेल के आते थे, अपने कंट्री के लिए मेडल जीतते थे, तो 2 ही दिन पेपर में या 1 दिन फोटो आती थी, अदरवाइज छोटी सी खबर आती थी, बस लेना देना नहीं था। और पहली रेड पॉइंट इंडिया के लिए कहाँ पे मिली थी? श्रीलंका में, जो मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करा। सो उस टाइम मेरे साथ आज लेजेंड हमारे जो कबड्डी प्लेयर है बीसी रमेश जी, जी बिल्कुल, राम मेहर सिंह एंड संजीव बलियान, ये सभी उस टीम में थे। क्या बात है, क्या बात है। इनके साथ ये, मैं बहुत जूनियर था, मैं शायद 19-20 साल का था उस टाइम, ये सभी मेरे बहुत सीनियर प्लेयर थे। सो उनके साथ खेल के बड़ा मजा आया, ये अपने टाइम के बहुत ही अच्छे मतलब धुआंधार प्लेयर थे। और इनके बाद फिर जो मेरे वाला बैच था, इनके साथ मैं खेला हूँ कम से कम 6-7 साल, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। भाजी पंजाब, गुजरात, रहना सोनीपत, हरियाणा, तो मतलब घाट घाट का पानी पी रखा जी, ऑल ओवर इंडिया रहा हूँ मैं और बहुत प्यार मिला है। 10-12 ईयर यहाँ गुजरात में रहा हूँ, साई में, गांधीनगर में। सो वहाँ पे ई प्रसाद राव जी हमारे कोच होते हैं, वो मेरे को घर से लेके आए थे, उन्होंने ही प्लेयर बनाया, आज जो कुछ भी उनकी बदौलत। एक तो कोच को जो इज्जत मिलती है भाजी, मैंने ये कबड्डी के अंदर चीज़ देखी है, वो एक अलग लेवल, मैंने हर खेल के अंदर ऐसा नहीं देखा जाता जितना कोच को यहाँ तवज्जो दिया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गेम ही ऐसा मिट्टी से जुड़ा हुआ गेम है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। तो आप जैसे अपने मदर फादर का सत्कार करते हो, इज्जत करते हो, वैसे ही कोच की करते हैं। सो जो जितनी कोच की इज्जत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। एक सवाल जो हमारे एक लिसनर ने भी हमें भेजा था, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये ऑनेस्टी, ये जो ईमानदारी कबड्डी के खेल में देखी जाती है कि टच हुआ है और सामने वाला बोल देता है, डिफेंडर बोल देता है कि हाँ मैं आउट हूँ, ये सिखाया कहाँ जाता है? क्या वो कबड्डी की सीख की सबसे पहली नींव वही है? क्योंकि कोई भी 2 सेकंड में मतलब बोल सकता है नहीं भाई टच नहीं हुआ, बेईमानी बहुत हो सकती है इस खेल में, लेकिन 99% देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता। हाँ, क्योंकि यही इस गेम की सबसे बड़ी ईमानदारी और सबसे बड़ी जो आज कबड्डी को सक्सेस मिली है वो यही चीज़ है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, नए बच्चे होते हो, गेम सीखते हो, तो उस टाइम आपका जो डिसिप्लिन, आपका करैक्टर, वो इन्हीं चीज़ों से बनता है, तभी आप एक बड़े प्लेयर बनते हो। तो ईमानदारी कबड्डी की, शायद कबड्डी में ये ईमानदारी है, तो मज़ा आता है देख बहुत, ये ऑनेस्टी, क्योंकि क्रिकेट में देखा जाता है ग्राउंड पे बॉल लग गई है लेकिन कैच क्लेम कर देते हैं कि भाई आउट है, फुटबॉल के अंदर टंगड़ी मार के फाउल करा देते हैं, कबड्डी में ये कभी नहीं देखा गया कि आप किसी को मारने की इंटेंशन से उतर रहे हो या बेईमानी कर रहे हो। ये ऑनेस्टी मेरे ख्याल से अनहर्ड ऑफ है। भाजी आखिरी में कुछ एंटरटेनमेंट से जुड़े सवाल जी, कबड्डी की अगर फिल्म बनती तो आप अपनी तरफ से 7 प्लेयर कौन से उतारते? पुराने या जो आज आपके पसंद के खिलाड़ी, एक्टर हो सकते हैं, पंजाब के हो सकते हैं, बॉलीवुड के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं।
गुरदास मान को रखते कि नहीं रखते आप? मैं गुरदास मान जी को रखता हूं। गुरदास मान भाजी होना ही केवल मैट पे बहुत है, लोग उनकी सूफियाना अंदाज में बोलने लगे भाई पॉइंट ले ले। हां गुरदास मान जी को रखते हैं, बब्बू मान जी को रखते हैं और हरभजन मान जी को रखते हैं। हरभजन मान जी, मान जी को रख के टीम पूरी हो जाती है। और मान है भैया, सम्मान है इस चीज का। मनप्रीत भाजी, बहुत से बच्चे देख रहे हैं, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जिस जो आने वाली कबड्डी की पीढ़ी है उसको एक ऐतिहासिक लेजेंडरी खिलाड़ी क्या गुर देना चाहेगा? उनको मैं ये गुर देना चाहूँगा कि आप अपनी अच्छी फिटनेस रखें, एक अच्छे ट्रेनर के पास और अच्छे कोच के पास स्किल सीखें जो कबड्डी में बहुत ज़रूरी है। सो अपने मादर फादर का प्यार लें जितना मिल सके ज़िंदगी में, तभी आप आगे बढ़ते हो जब आप बड़ों का सत्कार करते हो, इज्जत करते हो। सो सभी से प्यार करें, छोटों को इज्जत दें, यही है, और एक अच्छी डाइट खाएं। और इसी का पूरा समग्र रूप है मनप्रीत। थैंक यू वेरी मच, विल बी बैक विद मोर। थैंक यू मनप्रीत भाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाजी। एंजॉयिंग हॉलीडेज विद माय फैमिली। यस, इसी जमीन पीछे सी सुखाले अब कच्ची का गुजरात। कोच इज ऑन हॉलीडे।